हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, मेरे चैनल, हमारे चैनल वी रिव्यू में। दोस्तों, थंबनेल आपने देखा होगा, आज हम बात करेंगे किस टॉपिक पे। मेरे बहुत सारे भाई लोग बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, बार बार मेरे को व्हाट्सअप आ रहे हैं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर फैंसी बैट की टिपिंग कर दो, टॉस प्रेडिक्शन दे दो, टीम बता दो। भाई लोगों, मैं अपनी पता नहीं कितनी वीडियोस में बोल चुका हूँ, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता किसी भी मैच की, ना टीम की, ना टॉस की, और मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। अगर जो लोग मार्केट में बैठे हुए टेलीग्राम पे, जितने भी चोर बैठे हुए ध्यान के लोड़े, जो अपना फेस नहीं दिखाते और फेक चैनल बना रखे हैं, और वो जो टीम बांट रहे हैं और लोगों से पैसा ले रहे हैं, मादर चोदो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम जो काम कर रहे हो ये काम करना सही नहीं है। आप तुक्केबाजी कर रहे हो, आपके तुक्केबाजी की वजह से किसी इंसान का पैसा खराब हो रहा है, ठीक है। और मेरे कुछ भाई मुझसे बोलते हैं सेशन की टिप बता दो, फैंसी बैट बता दो। देखो, सबसे पहला और मेन पॉइंट, फैंसी बैट्स करना ठीक नहीं है, मोस्ट ऑफ द चांसेस आपका लॉस ही होगा। लेकिन आपने मुझसे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा, फिर भी कुछ एक तरीके हैं, अगर आप फैंसी बैट के अडिक्ट हो और फैंसी बैट खेलते हो, लाइक सेशन खेलते हो, प्लेयर मीटर खेलते हो, तो उसके लिए कुछ ट्रिक लाया हो, इसको फॉलो कर लेना, कुछ पैसे कमा लोगे अगर इसको ढंग से फॉलो कर लिया तो इस वीडियो में आपके काम की वीडियो, अगर फैंसी बैट खेलते हो तो बहुत काम की वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो यार। मेरे बहुत सारे भाई हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए और आती रहे और आप देखते रहो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई की फैमिली में जुड़ जाना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप फैंसी बैट खेलते हो, सेशन खेलते हो, कुछ 8-10 पॉइंट बताऊंगा, उनको नोट डाउन कर लेना, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्या क्या? सबसे पहला, सेशन खेलते हो आप, मैच शुरू होता है, सेशन खेलते हो, सबसे पहला पेशेंस। पेशेंस मतलब सबर रखो। सबर कैसे रखो? देखो, जब बैट सेशन खेलने जा रहे हो, 6 ओवर का सेशन, लाइक जैसे खुला 51-52 6 ओवर, 51-6 ओवर खुला, आप क्या करते हो, खुलते ही 52 यस कर ले या फिर 51 नोट कर ले, ठीक है, फोन पे, अगर आप लोकल बुकिंग पे खेलते हो। अगर आईडी पे खेलते हो तो जाके फटाफट बैट प्लेस कर देते हो। इसको खेलने का तरीका ये गलत है। अगर आप प्ले करना चाहते हो फैंसी बैट और सेशन खेलना चाहते हो, पेशेंस रखो, सबर रखो, बैट को क्लोज होने दो। क्लोज बोले तो, अगर 6 ओवर का सेशन खेलना है ना, तो 4 ओवर होने के बाद खेलो, या फिर 4.5-5 ओवर के बाद खेलो। मैं तो बोलता हूँ, चीजें ना समझ में आती है उसके बाद, पिच कैसा बिहेव कर रही है, रन कैसे पड़ रहे हैं, तेज खेल रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं। शुरू में तो आपको कुछ पता ही नहीं होने क्या वाला है, आपने यस करा, विकेट चली गई तो क्या करोगे। कम से कम 4 ओवर देखो, अगर 6 ओवर का सेशन खेलना है तो 4 ओवर के बाद जाके बैट प्लेस करो। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, देखो एक बंदा है, वो जा रहा है, सामने पुल नजर आ रहा है उसको काफी दूरी पर, पुल टूटा हुआ है। अगर वो यहां से सोचेगा उसको क्रॉस कर लूं, तो अंदाजा नहीं लगा पाएगा टूटे हुए पुल को किस तरीके से क्रॉस करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो पुल के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है तो शायद वो बेटर अंदाजा लगा पाएगा कि ये इतना टूटा हुआ और इस जगह से टूटा हुआ है और मैं ऐसे ऐसे करके यहां से निकल जाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया हो तो आप मेरी बात भी समझ पाओगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बैट जब क्लोज आ जाए, जब दिखे यहां 4.5 ओवर हो गए या 4 ओवर हो गए, 6 ओवर का सेशन है, पिछले ओवर में इतने रन पड़े हैं और लगातार तेज खेल रहे हैं, तो अब ये स्लो होंगे या कुछ होगा, दिमाग में चीजें सो आएंगी, उसके बाद बैट प्लेस करो, वो बैट आपकी 90% पास ही होगी। अगर आप तुक्के मारोगे खुलते ही ओपन में यस कर दी या नोट कर दी हो, तो फिर आप तो फिर वो प्योर वो वाला सीन हो गया, वो एक ताश की गेम होती है मांग पत्ता, कि आपने कार्ड मांग लिया कि बेगम हो गई मेरी या बादशाह हो गई, और तुक्केबाजी वाली गेम हो गई, उसमें आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होते। इसलिए सबर रखो, पेशेंस रखो, जब बैट क्लोज आए तब प्लेस करो अपनी बैट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब क्या होता है, कई भाई मेरे क्या करते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल उठा लेते हैं, 6 ओवर का सेशन आया, 41 उन्होंने नोट करा, अब क्या हुआ, और नीचे आ गई, वहां भी नोट कर दिया, और नीचे आ गई वहां भी नोट कर दिया, और नीचे आ गई वहां भी नोट कर दिया। रीबैट करो यार, अगर आपको लगता है गलती से मेरी एक बैट प्लेस हो गई, गलती हो गई मुझसे, बैट गलत है, तो उसको रिपेयर कर दो उसी वक्त। अब क्या कर रहे हो आप, आपसे गलती क्या हो रही है, आपने यस पकड़ा तो यस को ही पकड़ के चले जा रहे हो, तो अगर नोट हुई, जड़ तक नोट हुई, तो आपके सारे सेशन पिट गए, समझ रहे हो। अगर दिख रहा है गलती हो, एक बैट में एक यस मार दिया आपने, तो दूसरी नोट मार दो।
अगर नोट को पकड़ के खेलते रहोगे और लगातार यस होगी तो नुकसान है आपका। अगर आपसे गलती से कोई बैट प्लेस हो गई, आपके दिमाग में घंटी बज गई कि ये बैट गलत हुई है, तो उसको उसी वक्त रिपेयर कर दो, कोई बात नहीं। एक बैट आपने यस की करी, आपको पता है सेशन यस नहीं होगा, तो अगली बैट नोट की कर दो, यस की मत करो दोबारा। अब लगातार क्या हो रहा है, मैंने बहुत लोगों को देखा खेलते हुए, नोट कर दिया उन्होंने और उनको दिख रहा है यार ये तो नोट होगा नहीं, ये तो यस होगा, तो और ऊपर आ रहा है उसको भी नोट कर रहे हैं, और ऊपर आ रहा है उसको भी नोट कर रहे हैं, और सारे सेशन तलैया में घुस जाते हैं उनके। तो इस चीज को ध्यान रखो, अगर गलती से कोई बैट प्लेस हो गई है और आपको लगता है बैट गलत हो गई, तो उसको रिपेयर करके चेंज कर दो, पकड़ के मत बैठो, पकड़ के बैठोगे तो घुस जाओगे, ठीक है। तीसरा और मेन, गरम या हाइपर होके कभी बैट प्लेस मत करो। कुछ मेरे भाई है, एक बैट में लॉस हो गया, दो बैट में लॉस हो गया, तीसरे में क्या करेंगे, चार लिमिट उठा के मार दिया, पांच लिमिट उठा के मार दिया, छह लिमिट उठा के मार दिया, ऐसे में एक ही मैच में रोड पे आ जाओगे, खत्म हो जाएगी कहानी आपकी, आगे की लीग खेल ही नहीं पाओगे, इतने पैसे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। आराम से, जब तक ये माइंड कूल नहीं होगा ना, जब तक ठंडा नहीं होगा, जब तक जीत नहीं पाओगे, दिमाग को शांत रखो। अगर एक बैट लॉस हो गई तो पेशेंस रखो, अगला सेशन मत खेलो, सोचो समझो, या छह ओवर की बैट में लॉस हो गया तो मत खेलो 15 ओवर तक, 15 ओवर के बाद लंबी खेलो जो आती है, ठीक है, उसको जब तक चीजों को समझो अपने दिमाग में। गर्म होके खेलोगे, किसी का नुकसान नहीं होगा, बुक्की को पैसे देके आ जाओगे, आपका ही नुकसान होगा, बुक्की का कोई नुकसान नहीं होगा, आप गर्म होगे बहुत ज्यादा पैसे हार जाओगे। जब तक ठंडे दिमाग से नहीं खेलोगे, जब तक नहीं जीतोगे, याद रखना इसको, सोचना समझना बहुत जरूरी है, पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बताता हूं, अगर लॉस हुआ है 5,000 का, तो लिमिट अपनी 5 ही रखना अगले में भी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 5,000 का नुकसान हुआ, अगले में जाकर 15 का लिख ले भाई, 10 का लगा दे, 20 का लगा दे, वो नुकसान बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा। देखो 5,000 का नुकसान हुआ ना, अगला भी 5 का ही मारो, अगर आया तो आप बराबर हो गए, फिर आपके प्लस होने के चांसेस है। आपने 5 का मारा हार गए, अगला 15 का मार दिया वो भी हार गए, ये तो लॉस 20 का हो गया। अब 20 का लॉस कवर करने के लिए जाओगे तो 20 ही और चाहिए, और वहां पे फिर आपका 20 का नुकसान हो गया तो ये तो 40 का नुकसान हो गया। तो लिमिट अपनी कभी मत बढ़ाओ, लॉस पे तो बिल्कुल मत बढ़ाओ। अगर विन हो गए हो, 5 का प्रॉफिट हो गया, तो 5 से अपनी लिमिट 6 कर दो या 7 कर दो, लेकिन लॉस पर लिमिट बढ़ाना कतई बेवकूफी है, बिल्कुल मत बढ़ाना, याद रखना इसको, बहुत ज्यादा पैसे लग जाओगे। ये फैंसी बैट्स का बता रहा हूं मैं, इन चीजों को याद रखोगे और दिमाग में रखोगे और लेकर चलोगे तो गारंटी दे रहा हूं लॉस नहीं होगा आपका। अगला बताया तो आपको, जो लंबी होती है यानी कि 20 ओवर के रन सेशन जो आता है 20 ओवर का, वो कब प्लेस करना है आपको, 17 ओवर के बाद। 10 ओवर में लंबी मार रहे हो या 5 ओवर में लंबी मार रहे हो, मैच में पता ही नहीं होगा क्या क्या नहीं होगा, 17 ओवर के बाद करो लंबी। जो 20 ओवर के रन का सेशन होता है, 17 ओवर के बाद करना, वहां पे जाके आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन से बल्ले अभी आने वाले हैं, कितने बैट्समैन बचे हैं और कौन कौन से बॉलर का ओवर बचा है, वहां से प्लेस करोगे तो बैट आने के चांसेस 75% है। अगर शुरू में प्लेस करोगे, कुछ नहीं पता आगे किसका विकेट चला जाए, क्या हो जाए, कौन सा बॉलर हो जाए, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं पता, तो वहां आपकी बैट के आने के चांसेस सिर्फ 25% है, ठीक है, ये याद रखना। और अगला पॉइंट बता देता हूं, देखो जो 10 से 15 ओवर का सेशन होता है, यानी कि 15 ओवर की जो सेशन खुलता है, जो मार्केट 15 ओवर का सेशन देती है आपको, मत खेलो, इग्नोर करो, मोस्ट ऑफ द चांसेस हारोगे, उसमें कोई नहीं जीतता, 0.20% चांसेस होते हैं आपके सेशन आने के। 15 ओवर का सेशन प्योर बुक्की का होता है, कोशिश करो उसे मत खेलो, ठीक है। अगला बताता हूं, प्लेयर मीटर खेलते हैं मेरे भाई, कि आज विराट कोहली इतने रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, या फिर आज डुप्लेसिस इतने रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो कब खेलना चाहिए, कुछ भी मार रहे हो, अपनी मर्जी से मार रहे हो, तुक्के मार रहे हो, तुक्के बाजी हमेशा फेल कराएगी आपको। ये जितने टिपर बैठे हैं तुक्के बाजी तो करते हैं, जब तक चीजों को समझोगे नहीं, सोचोगे नहीं, जब तक खेलते रहोगे ऐसी, तो आपका लॉस होता रहेगा। प्लेयर मीटर, प्लेयर के रन अगर खेलते हो तो जब प्लेयर 25 रन बना चुका हो तो उस पर प्लेयर मीटर करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। प्लेयर अभी अभी आया, कुछ नहीं पता उसका, दो बोलों पे चला जाए, चार बोलों पे चला जाए, कुछ भी नहीं पता, या मारने को 100 भी मार दे, जब 25 रन बना ले तो उसका प्लेयर मीटर यस या नोट करना, उस वक्त आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और डब्बी का मतलब, मेरे जितने भाई फैंसी बैट खेलते हैं, सेशन खेलते हैं,
डब्बी का मतलब समझते होगे, सेफ साइड, सेशन को सेव करना। आपने 41 यस किया, 41 सेशन आया 6 ओवर का, आपने 41 यस किया। जैसे ही आपको 46-7 मिले, 5 रन का वादा मिले, 5 रन का प्रॉफिट मिले, वहां से अपनी बैट काटो, सेफ हो जाओ। या तो आने को डबल अमाउंट होगा, जाने को कुछ नहीं होगा। 5 रन का गैप मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपका आ जाएगा, उसमें क्या होगा, प्रॉफिट डबल होगा और जाने को कुछ नहीं होगा। तो जब भी 5-6 रन का प्रॉमिस आपको मिले और बैट मिले 5-6 रन के प्रॉमिस की, वहां से कैच करो उसको, अपना लॉस कवर करो, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपको डबल का होगा ज्यादातर है, ठीक है। जाने का रिस्क नहीं, सिर्फ आने का, वो भी डबल। तो ये याद रखना, जब भी 5-6 रन का आपको दिखे कि हाँ मैंने 41 यस करा था, 47 एट आ गया, तो उसे 47 नोट करो, बुक्की को बोलो अब तू देख, हमारा काम खत्म। लालच में मत बैठे रहना, लालच लंका लगवा देगा आपकी, ठीक है। अगला, फैंसी बैट्स में हमेशा स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना। फैंसी बैट में मोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट मत इन्वेस्ट करना। बड़े अमाउंट के लिए मैच बना हुआ है, मैच में खेलो। उसमें क्या होगा कि दूसरी टीम फेवरेट आ सकती है, रन पड़ सकते हैं, विकेट जा सकते हैं, 100 ऑप्शन है। अब आपने जिस तरीके के मैचेस आईपीएल के चल रहे हैं, इधर भी फेवरेट, उधर भी फेवरेट, इधर भी फेवरेट, उधर भी फेवरेट, तो कई बार आपको मौका मिलेगा बच के निकलने का। लेकिन फैंसी बैट क्या है, ये गरम जुआ है, इसमें आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा, मैच में आपको बचने का मौका मिलेगा। इसलिए फैंसी बैट्स में अमाउंट हमेशा कम इन्वेस्ट करना, ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। और मेरे सबसे बड़ी और मेन बात, मैंने कुछ अपने भाइयों को नोटिस करा, क्या करते हैं, अब उन्होंने 20,000 रुपए की लिमिट से वो खेल रहे हैं, 15,000 मैच में लगा दिए, 5,000 रुपए वो सेशन में लगा दिए, 5,000 रुपए का सेशन उनका पिट गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, मैच का जो अमाउंट लगा रखा होता है उसे निकाल लेते हैं बाहर और उससे सेशन खेल लेते हैं। अब क्या होता है, मैच की बैट भी उन्होंने उनकी खत्म हो जाती है और वो जो पैसे उन्होंने निकाले होते हैं वो भी हार जाते हैं। जो पैसा मैच में इन्वेस्ट कर दिया उसको मत छेड़ो, वहां आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हमेशा फैंसी बैट से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना जो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके की वीडियोस आपको बहुत रेयर मिलेगी यूट्यूब पे, और मैंने आपके लिए ऐसी वीडियो बनाई है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे नाम से, जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वही मेरा चैनल है। उसके अलावा मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगाकर या मेरे नाम से टेलीग्राम पे जितने भी चैनल है सबके सब फ्रॉड है, वो अपनी माँ चुदवा रहे हैं वहां पे मेरे नाम से। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, मैं गालियां भी दे चुका हूँ, पता नहीं कौन है, बहन के लोड़े मेरे नाम पे फेक चैनल बना रहे, उनसे बच के रहना। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना, अगर खेलना है तरीके से खेलो, ये चूतिया के लंडे की तरह कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मार रहे हो, तो हमेशा घुसोगे घुसोगे, याद रखना मेरे भाई लोग, ठीक है। तो आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं मेरे भाई लोगों। थैंक यू सो मच, बने रहना अपने भाई के साथ, और जय हिंद।